फसल पैटर्न में बदलाव और केंद्र सरकार की खरीफ योजनाओं की बदौलत भारत दाल के मामले में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। दालों का मौजूदा उत्पादन 26 मिलियन मीट्रिक टन है। भारत दालों के बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। वर्तमान में हम ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और कनाडा से दाल का आयात कर रहे हैं। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ के प्रबंध निदेशक ने साल 2027 तक दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का भरोसा जताया है। में भारत 2027 तक आत्मनिर्भर बन जाएगा और ये दावा किया है हमारे कृषि मंत्री ने। मेरे साथ है एनसीसीएफ की एमडी, आई एम उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से, क्योंकि भारत दालों का सबसे बड़ा कंज्यूमर है वर्ल्ड में, किस तरह से यह पॉसिबल होगा कि 27 तक हम पूरे सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। जी, इसके लिए दो तीन कदम सरकार ने उठाया है। एक तो ये है कि क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना होगा ताकि हमें जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम करना है और 2027 तक एकदम ज़ीरो करना है इम्पोर्ट्स। उसके लिए ज़्यादातर किसानों को तुअर का जो कल्टीवेशन है उसमें लाना है, तो फिर उनको एक अश्योरेंस देना होगा कि उनका जो क्रॉप है खरीदेगा सरकार और अच्छा दाम मिलेगा। हमारा एनसीसीएफ का पोर्टल ncfindia.com, वहाँ पर अगर किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो वो किसान अपना जो भी तुअर का जो क्रॉप है वो ला सकते हैं, वो एमएसपी पे खरीदेगा या एमएसपी के ऊपर अगर मार्केट में प्राइस है तो वो मार्केट प्राइस में भी खरीदारी होगा। जैसे कि आपने बताया ये पोर्टल मोदी जी की गारंटी होगा, तो उसमें किस तरह से चेंजेस आएंगे? जी, अभी तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब, फिर कुछ अफ्रीकन कंट्री से भी इम्पोर्ट होता है और वो सब देश में तो कल्टीवेशन होता है सिर्फ इंडिया का कंसम्पशन के लिए। अभी फिलहाल हमारा जो प्रोक्योरमेंट है वो ज़्यादातर कर्नाटका से होता है, महाराष्ट्र से होता है और मध्य प्रदेश से होता है और आंध्रा, तेलंगाना, ये सब राज्यों से भी होता है। और हमारा प्रोक्योरमेंट सेंटर्स ये सब राज्यों में अभी खुला है और हमने प्रोक्योरमेंट स्टार्ट भी किया है और करीब 2.5 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन भी कर चुका है। फिलहाल तो हम स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन या सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का WDRA अक्रेडिटेड गोडाउंस में ही स्टोर करते हैं। तो आपने सुना कि 2027 तक बिल्कुल ये टारगेट अचीवेबल है और किसानों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि भारत में काफी लंबे वक्त से ये कहावत चली आ रही है, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बैरिस्टू, DD News, दिल्ली।